कोरोना की कहर को लेकर नेताओं में जवाबी जंग जारी है। लुधियाना के एडवोकेट अनिल सरीन की दलील सवाल के तौर पर केंद्र से आए वेंटिलेटर होंगे, कैप्टन सरकार ने क्यों नहीं किया इस्तेमाल। लुधियाना में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच ऐसे सवाल उठने जायज है। आम तौर पर हर राज्य में सत्ताधारी पार्टी को विपक्षी दल कोरोना मरीजों के इलाज के मामले में घेर रहे हैं। आइए सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अनिल सरीन पंजाब की कांग्रेस सरकार और उनके कैप्टन यानी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से क्या जवाब चाहते हैं। आप खुद ही सुनकर तय करें कि भाजपा का आरोप कितना दमदार है और राज्य सरकार ने इस मामले में क्या वाकई ही लापरवाही की है। पंजाब दे विच जिस तरीके दे नाल कोरोना नाल मौतां हो रही ने, एक बहुत चिंता की स्थिति है। मैं पूछना चाहना कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार नू कि केंद्र सरकार ने 290 वेंटिलेटर तुहानू भेजे सन, एक साल हो गया वो वेंटिलेटर का इस्तेमाल क्यों नहीं होया। मैं पूछना चाहना केंद्र सरकार ने 3 ऑक्सीजन प्लांट लाने वास्ते तुहानू पैसा भेजा, वो कितने लाए ने ऑक्सीजन प्लांट। मैं जिथे तुहाडे ऑलरेडी वेंटिलेटर तुहाडे हस्पतालों च सीगे उन्होंने वेंटिलेटर चलाने वास्ते तुहाडे कोल मुलाजम है नहीं गे। अज भी मैं खबर पढ़ रहा सीगा फिरोजपुर के सिविल होस्पिटल ने वेंटिलेटर जिहड़े हैगे अपने किसी एक प्राइवेट होस्पिटल नूं दित्ते ने चलाने वास्ते। लुधियाने च जिहड़े वेंटिलेटर पए सन उस CMC नूं दित्ते गए वेंटिलेटर चलाने वास्ते। एक कि सरकार चला रहे हैं, एक कि तरीके आप कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैप्टन साहब जागो जागो, कैप्टन साहब पंजाब की जनता तुहाडे कोल जवाब मंगदी है, जागो। पंजाब पुलिस के 2 सीनियर अफसरों के तबादले किए गए हैं। इनमें शामिल IPS एस भूपथी को चंडीगढ़ में DIG पर्सनल के पद की जिम्मेवारी संभालने के अलावा चंडीगढ़ में ही DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की कमान भी सौंपी गई है। उधर पटियाला में IRB फर्स्ट में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात PPS हरवीन सरा को लुधियाना रूलर्स में CBI की SP के पद पर ट्रांसफर किया गया है। बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार का कोरोना के चलते निधन हो गया। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गत दिनों उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के अलावा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने शोक संवेदना जताई है। साल 1985 बैच के अफसर अरुण कुमार सिंह पिछले महीने ही बिहार सरकार के मुख्य सचिव बने थे। उन्होंने यह पद तत्कालीन मुख्य सचिव दीपक कुमार की जगह पर संभाला था। दीपक कुमार को प्रधान सचिव पद पर तैनात किया गया था। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में प्रशासनिक अधिकारी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इनमें से कुछ की मौतें हो जाने से प्रशासनिक हलके में भी चिंता बनी हुई है। इस महामारी के दौरान इमरजेंसी ड्यूटी करते हुए भी किस तरह से अपना और अपने परिवार का बचाव किया जाए। डेस्क रिपोर्ट, जनहितेशी न्यूज़।